चैनल प्रिया दी ब्लॉग में कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो मेरी लाडू रानी फर्स्ट टाइम आई है अपने दादू के घर। बाय टाइटल आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज देखने को मिला। एक्चुअली ये सारे जो सरप्राइज है दीप ने, और मतलब उन्होंने सारा सब कुछ फ़ोन के थ्रू किया हुआ था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा। इसमें जो है जब मेरी लाडू रानी फर्स्ट टाइम अपने दादू के गोदी में गई हुई हैं, इनकी बड़ी मम्मी इनकी आरती उतारी है, इनका इनके दादू के घर कैसे स्वागत हुआ है, सबसे सबसे पहले आप वो देख लीजिए। देखो कितने ध्यान से सुन रही हैं, काश इतने अच्छे से जब इनकी आरती वगैरह वो देखती तब ऐसे देखती, लेकिन तब इतने सारे लोग थे, इन्होंने किसी को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस एटीट्यूड में थी। सारा सब कुछ इनका निकाल के रख दिया मैंने, सूज निकाल दिया, कैप लगा दिया, इसके बाद ये जो जिसमें रैप किए थे रैपर मैंने निकाल दिया। क्यों क्या 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 है हाँ लाइट तो सबको दिखा दिया जाए, जो रूम सजाया गया था दिखा दिया जाए ना। चलो आप लोग देखो सबसे पहले वो सब कुछ, इसके बाद फिर मिलते हैं। कितना एक्साइटेड हो नहीं हाँ? मैं तो हद से ज्यादा हूँ। पहले कूद के तैयार हो गए, एक्साइटेड नहीं है? मैं भैया कृष्णा के साथ खेलने जाऊंगा। और आप कितने एक्साइटेड हो? ये तो बहुत ज्यादा, इतने दिन से बाद किसे वो देखा था पापी। सो फ्रेंड्स, हम घर पहुंच गए हैं और कुछ इस तरीके से घर सजाया गया है। ये गांव है तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और जैसा मैं चाह रही थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं चाह रही थी जब मेरी बिटिया फर्स्ट टाइम आए तो ढोल नगाड़े के साथ उसका वेलकम हो, घर दुल्हन की तरह सजे। थोड़ी चीज़ें हो पाई, थोड़ी नहीं, रीज़न था। तो यहाँ पर भाभी लेके आ रही हैं धार। जब पहली बार घर पर बच्ची आती है तो धार छोड़ा जाता है, गाँव का रिचुअल है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर धार, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कोई बुरी शक्ति है तो वो घर के बाहर से ही चली जाती है धार छोड़ने से। तो कुछ इस तरीके से घर सजाया गया था, और ये सारी चीज़ें दीप फ़ोन पे हैंडल कर रहे थे, सब कुछ बता रहे थे कि कैसे क्या लगाना है। एक दिन पहले रात में ही हम लोगों का आने का प्लान हुआ तो उन्होंने कॉल करके बोल दिया था। तो कुछ इस तरीके से घर सजाया गया था, और घर पहुंच के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ना जन्माष्टमी के बाद वाला जो संडे शायद 9 या 10 को था तब का है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं एडिट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई, वीडियो को लेट पोस्ट करी, उसके लिए सो सॉरी। मैं तब से कैमरा उठाई हूँ तो सिर्फ प्रिया दीप के लिए, अदरवाइज मैंने ब्लॉगिंग नहीं की हुई है। तो बस हम लोग चल रहे हैं घर के अंदर, फर्स्ट टाइम दादू की गोदी में गई है मेरी बिटिया प्रियू, और दादू का रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो यहाँ पर पीयू प्रत्यूष और ये देखिए दादू। तो अब भाभी यहाँ पर आरती उतार रही हैं हमारी पीयू की। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हो कि प्रत्यूष नहीं दिखता है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि बच्चे हैं, बच्चे हमारे हिसाब से नहीं करते। और जब से जैसे ही दादू के घर पहुँचता है ना तो घूमना उसका चालू हो जाता है, उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं कि पूछो मत। तो बस यहाँ पर हम चल रहे हैं। पिछली बार आए थे तो प्रियू पेट में थी, इस बार प्रियू गोद में है, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग है। तो अंदर कुछ इस तरीके से डेकोर हुआ था, अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो बस हम आ गए हमारे बेडरूम में। ये देखिए, तो एक्चुअली हम आते टाइम ना कर्टन्स वगैरह लेके आए थे कि हम चलेंगे रूम को डेकोर कर देंगे, बट बहुत लेट हो गया और हम लोगों को आज ही निकलना है क्योंकि आज संडे है। और सडन पापा की बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, ज़िद करने लगे ससुर जी, तो हम लोगों को आना पड़ा। सिर्फ हम लोग 2 आवर्स के लिए ही, 2-3 आवर्स के लिए ही आए हुए थे। वहाँ से घर से 1 बजे निकले थे, यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे शायद 4 बजे, इसके बाद वहाँ से हम लोग 6 या 7 बजे निकल आए थे। लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया था, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में भी आप देखोगे, यहाँ पर मैं अपनी बिटिया के साथ मस्ती कर रही हूँ। आगे देखिए ना, यहाँ पर मेज छानी में मेरे लिए चाय बनाई हुई है, हम सबके लिए बनाई हुई है। सबसे पहले हमने पानी पिया भी सिखा के, इसके बाद हम चाय पी रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सिर्फ 4 आवर्स के लिए आए हुए हैं ना, क्या 4 आवर्स के लिए ही आए हैं दादू के घर।
बाद चलना है लखनऊ। अभी रात में हम लोग 8 बजे निकल जाएंगे। 4 बजे आए थे, 4:30 बज गए। एक्चुअली पापा की तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि आ जाओ तुम लोग आ जाओ, तो आज संडे था इसलिए हम लोग आ गए। अभी हम लोग चलेंगे भी, तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, जो कुछ भी होगा आप लोगों को बताएंगे। हाँ, दादू का घर अच्छा लगा? दादू का घर तो छोड़ो, सबसे पहले बताओ मम्मा का बेडरूम कैसा लगा? अच्छा है, ये अपने लैंग्वेज में बात कर रही है, अच्छा है ना? सबकी प्यारी, सब सब जितने घर में है। एक्चुअली कई सालों बाद छोटा सा बच्चा आया ना इस घर में, 7 साल बाद, सोचो 7 साल बाद। तो सब इनसे प्यार नहीं करेंगे? जिसे देखो सबसे छोटी है, सबकी छोटी है, सबसे प्यारी है। पता है बड़े भाई बच्चे नहीं खिलाते, लेकिन वो भी आपको लिए थे, रक्षाबंधन में गए थे हम, वो छोटे बच्चों से डरते हैं चंदन, लेकिन उन्होंने इनको तभी खिलाया हुआ था। हाँ, अब ज़्यादा हो गया, अब बात नहीं करेंगे, करिए हम बात नहीं करेंगे। ये तो चाहिए। तो यहाँ पर जब पहली बार बच्ची को लेके कोई आता है तो गांव से सब देखने आते हैं, आजू बाजू के लोग। तो यहाँ पर मेरी जेठानी हैं, बहू हैं, मतलब मेरी पदवी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो सब लोग आए थे हमें देखने, हमसे मिलने। तो वही हम लोग बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मतलब बात ही कर रहे हैं, मस्ती क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सब कुछ वही बताया जा रहा है क्या कैसे हुआ। तो बस अब मैं आप लोगों से कुछ देर बाद बात करूँगी। तो आ जाओ, चल रहे हैं अपनी जेठानी के किचन पे कब्जा करने, देखते हैं क्या कर रही है। बहुत मन किया था दिखाई दे, उठा ले पहले आवा, इतना महीने का मन मन किया था दिखाओ मम्मा, दिखाओ दिखाओ। भाभी कितने सब्जी बनाओ, बहुत अच्छी मांगा था। हाँ, चंदन बना रहे हैं, चंदन बनाए ना, बहुत अच्छी मांगत है यार। बेटवा गुनी ब्याह बहुत माछी ले आगत भाई, कोनो में सब्जी कम होए तो एडजस्ट करे, नहीं है कितना दे दे, ठीक बने यार। ये माछी बहुत लागत था अभी, अरे मीठा भी है, चलिए बड़ी ब्याह ना असम चलिए, ये है कहां दे रहे हम तो काहे आए थे, हम नीचे बैठे थे बस, इतने जो दे देते। भाभी पूरी बहुत अच्छी रखे हो, मम्मी वाला सब यही हमारे ना ही दबा उठा ना। हाँ देखो एकदम मस्त ऐसे लागत, कराहा वाली पूरी। यह का देव का रखा हुआ है, नंदन और कोने में बैठे हुए हैं। सब्जी इतना नहीं खावत थी, सब्जी बर्दाश्त नहीं होते। नंदन तो ये ही है यार, तुम्हारे ब्लॉग बना हुआ नहीं ना, बिल्कुल ना भागत रहा है नंदन, बताया ना जो पूछे रहे, वो यादव कह रही है आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? पीछे क्या चल रहा है? इंजन चुप क्यों भाई, इंजन चल रहा है। तो क्या करें इस ब्लॉग, आ जाओ छोरी, आ जाओ आ जाओ मिलाएंगे ना। ये देखो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मेरा सपोर्ट करने वाली है, मेरी बिटिया तो है ही, देखा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट के नाम पे पेट खोला था इन्होंने। इनका नाम है निधि और इनका नाम है उजाला। नंदन कैमरा तुम पकड़ो, और मेरा जो एकदम बिग वाला सपोर्टर है वो तो पीछे ही है, साथ है ना। मेरा थोबड़ा ये मेरी एकदम फुल्ली वाली सपोर्टर जो कभी कभी पागल हो जाती है, कभी कभी सही देख नहीं, ये मुझसे प्यार नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करती है, ये आपकी बेटी से प्यार करती है। आ सब चिढ़ा लेते कह रही है आप नहीं सुंदर हो, बिट्टी ज़्यादा सुंदर है,
बिट्टी हमारे भाई ने बिट्टी की मम्मी हम कुछ लाए अरे तो तुम्हारे चाची मतलब चाची की अलग पदवी है उजाला वही ना ओ इनका खून है ना चाची बहन बहन हो से चाची चाची हो फिर चाची मर के जी के बहन है दुनिया में ले आए बहन बहन होगी चाची कुछ ना आई है उनसी पहले आप पहनो पर बाद हो नए लेकिन आज तो कहो हमको बहुत थर्ड अरे ओ का बात हमारा नया छाता खरीद रहे फाट गया कितने का है 150 वाला 50 रुपए वाला ये तो छोटके रहा हुए हां जाए दिन खादी में बस सेवा को लेकर आओ कि अपने भी दो ऐसे खरीदे रहे कभी कभी ऐसे फाड़ दिए जाते ना दिन खादी एक्स्ट्रा खरीद रखे रहे हैं ठीक है कौन बात नहीं अब ब्लॉग के एंड करी थे मिला नेक्स्ट ब्लॉग में बाय 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 ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना काफ़ी टाइम बाद मतलब कई महीनों बाद आपको इतनी एनर्जी वाला इतना अच्छा ब्लॉग देखने को मिला होगा क्योंकि हम लोग जब वहाँ लखनऊ में इतना अच्छे से हंसते बोलते इतना खेलते भी नहीं है यहाँ आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ अब अपने वतन आ गए हैं तब सारी जो हमारी हरकतें चालू होती हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय।